नमस्कार सभी को, मैं तहे दिल से अरुणाचल आइस न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं। और जो अभी एसीसी जो टीम जो दिल्ली चलो आंदोलन जो चल रहा है उसमें मैं शामिल होने जा रहा हूं। और मैं आप सबको बता दूं कि इसमें ना कोई पॉलिटिक्स मोटिवेशन है या कोई पॉलिटिशियन ने मुझे बोला है। अगर पॉलिटिक्स बोलता तो कोई पॉलिटिक्स टच होता तो मैं पहले जाता या पहले ही बात करता, लेकिन ऐसा नहीं है। कल से मुझे बहुत हार्ड लगा कि एक औरत को ऐसा नॉन ट्राइबल जो बात कर रहा है, और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पहले ज्वाइन करना चाहिए था, पहले करना चाहिए, पहले बोलना चाहिए था। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि पहले मेरा हालत ठीक नहीं था और फिर अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग करने का ढंग को देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक लड़की को, एक औरत को वहां में हम लोग अकेला छोड़कर यहां पर हम लोग बैठा है। मैं क्लियरली बता देता हूं, और मैं वहां से दिल्ली तक शहर में जाऊंगा, दिल्ली तक शहर में जाके, और मैं वहां में फुल जंत्र मंत्र पर नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि और मैं पहले से पब्लिक को वादा कर चुका है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ और JJMPHC का, उसके बाद जो रोड कंडीशन होता है और लाइट का जो होता है उसका, मैं आवाज उतारने के लिए मैं हर डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा। मैंने बोल के रख दिया है तो मैं उसको अपने उसको कंटिन्यूस करूंगा, लेकिन जो रास्ता में जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए मैं ये 28 को मैं निकलेगा। तो मेरा साथ कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। मेरे पास टिकट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है, आप सबको मैं बता दूं, मेरे पास टिकट करने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो अपना से टिकट करके जा सकता है। मैं एक अरुणाचल के नागरिक के हिसाब से मैं वहां जरूर पहुंचूंगा, और मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं कि जो यूपी का एक बंदा है वो बिल्कुल मैडम का बदतमीज कर रहा है और बदतमीज सवाल कर रहा है। मैंने सुबह भी उसका वीडियो देखा है, उन्होंने बार बार बोल रहा है कि अरुणाचल का ऐसे है, वो है, ये तो ये बहुत गलत है। तो मैं जितना औरत से और जितने भी लड़की जात जो हिस्ट्री जात होता है उसे मैं अपील करता हूँ, आप लोग प्रार्थना में और आप लोग मेंटेलिटी में आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ का अभी मैडम को बहुत जरूरी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि पेमा खांडू रिजर्वेशन देना है या पेमा खांडू को हटाना है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि कल को कोई भी सीएम आएगा, क्या पता वो उसे खराब हो सकता है, क्या पता अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम सीएम को कभी रिजर्वेशन दे तो मेरा तथ्य बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे एक बात का, ये बात को हमेशा सोचते रहता है कि जब वहां मैडम को जाते समय में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट बात करता है, जो भड़काने के लिए बात करता है, जो उठाने के लिए वो नॉन ट्राइबल जो बात करता है, वो बहुत गलत है। और मुझे बहुत सारे लोग लिखा है कि आपने भड़काओ बात कर रहा है, अब ऐसा है। मैं ऐसा नहीं, मैं अभी भी अपील करता हूँ, वहां में जितना भी सामने में यूपी बिहार का या वहां में पढ़ाई करने वाला लड़का, दिल्ली में पढ़ाई करने वाला जो भी वहां सामने में पढ़ाई कर रहा है, प्लीज आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज जाके मैडम को ज्वाइन कीजिए। जब वहां मैडम को जाते समय में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट बात करता है, जो भड़काने के लिए बात करता है, जो उठाने के लिए वो नॉन ट्राइबल जो बात करता है, वो बहुत गलत है। और मुझे बहुत सारे लोग लिखा है कि आपने भड़काओ बात कर रहा है, अब ऐसा है। मैं ऐसा नहीं, मैं अभी भी अपील करता हूँ, वहां में जितना भी सामने में यूपी बिहार का या वहां में पढ़ाई करने वाला लड़का, दिल्ली में पढ़ाई करने वाला जो भी वहां सामने में पढ़ाई कर रहा है, प्लीज आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज जाके मैडम को ज्वाइन कीजिए, और मैडम को ज्वाइन करके वहां तक सुरक्षा पहुंचाइए। अगर आप लोग को हौसला से देखिए, एक औरत अगर अरुणाचल का बदलाव के लिए वहां तक पहुंचता है तो प्लीज आप लोग उसमें साथ देना है। ये जितना भी कर रहा है ये कल को मर जाएगा, लेकिन लाइफ में आप लोग बहुत, आप लोग को लॉन्ग लास्टिंग होगा, आप लोग ही यहाँ में अगर अच्छा अरुणाचल अच्छा होता है तो आप लोग के लिए ही बेनिफिट है। तो मैं जितना लोग सब भाई बहन वहां में जितना भी लोग रहता है उस सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग जाइए, जाके वहां पर और पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं किसी पॉलिटिकल मोटिव से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, और मैं अपने मन से दिल से बोल रहा हूँ। और मैं कल से मैडम को जब बात किया है, मैडम को कल मैंने जब फोन से बात किया, मुझे बहुत हार्ड लगा कि मैडम रो रहा था, और बहुत सारे लोग ने मजाक कर रहा था कि ये तो एक्टिंग है, वो है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर चलो कोई भी आप गाड़ी से चलो, जो जैसे भी चलो, एक औरत और एक लड़का लो अगर वहां यहां से इतना दिन तक वहां में पैदल चल रहे तो सोचिए वो कितना तकलीफ हो सकता है, कितना प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ, प्रार्थना में आप लोग हमेशा याद रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।